जो अंदर पास हुआ है उस पे जहां सहमति बनी है थोड़ी सी रूट के पॉइंट की है, वो कल तक हो जाएगा, सुबह तक हो जाएगा। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा कि जितने भी हमारे किसान भाई परेड में आएंगे वो सभी शांति बनाए रखें और अनुशासन में रहें, एक दूसरे के आगे ना भगाएं, और जैसे पूरी कमेटी जो दिशा निर्देश दे उनको माने, अनुशासन बनाए रखें। और जो सरकार की ये था कि हम दिल्ली में एंटर नहीं करने देंगे, ट्रैक्टर बैन है दिल्ली के अंदर, वो सब चीज़ें जो है वो सॉल्व हो गई हैं, सारे बैरिकेड हटेंगे, हमें तोड़ने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने ये भी कह दिया था कि अगर सरकार बैरिकेड लगाएगी तो फिर हमें तोड़ने पड़ेंगे। अब वो तोड़ने नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप हटा रहे हैं। तो ये एक जो है इस आंदोलन की एक बड़ी जीत है कि वो अपने आप हटा के, लेकिन वो एक रूट जो है वो तय कर देंगे और उस रूट के ऊपर हम पूरी स्वतंत्र परेड उस दिन हम निकालेंगे। आधा मिनट, रजिंदर सिंह जी, दीप सिंह वाला, उसके बाद सवाल। देखिए सभी को अनुमति मिली आपको, एक मिनट। देखिए आज जो पांचवे दौर की बातचीत हुई है उसमें ये साफ हो गया है कि इस देश में लोग एक बड़ी ताकत हैं, लोग इतिहास लिखते हैं, और आज उन्होंने अपनी जो इतना इकट्ठ किया उसके आगे दिल्ली पुलिस को, केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा। और ये देश के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में पहली ऐसी परेड होगी, और हम ये दावे से कहते हैं कि ये परेड दुनिया के सिलेबस का हिस्सा बनेगी। इस आंदोलन पर भी रिसर्च होगी, इस पर भी लिखा जाएगा, ये बहुत बड़ी परेड होगी। और जी हम जीत सोचते हैं कि एक कदम हमने जीत की ओर बढ़ा लिया है, बहुत बड़ा कदम बढ़ा लिया है। दिल्ली के भीतर परेड होगी और उस दिन दुनिया में मोदी मोदी नहीं, किसान किसान होगी, और उस दिन हमारी ऑडियंस ग्लोबल ऑडियंस होगी। हम अपना जो किसानों का केस है पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, और जब तक लॉ निरस्त नहीं होंगे लड़ाई हमारी जारी रहेगी। 26 को हम एक बड़ी गैदरिंग बड़ा करने जा रहे हैं। सभी लोगों को अपील है, जो चुडूनी जी ने भी कहा कि आप आइए, जो झांकियां निकालिए, वो जो ट्रैक्टर है, ट्रक है, उसकी ऊंचाई से ज्यादा ना हो कि रास्ते में कहीं तार से ना अड़े। हमें अपनी झांकियां भी बनाकर लाएं खूबसूरत, जो हमारी किसानों की हमारी दशा को, दिशा को बयान करती हो, झांकियां भी बनाकर लेके आए। बड़ी गिनती में आइए और अपनी यूनियन के झंडे और जो झंडा आपको ठीक लगे लगाकर आइए, और बड़ी गिनती में आइए, और एक कमाल का दिन वो इतिहास सृजने के लिए। और आपको ये हम कहना चाहेंगे कि एक कदम जीत की ओर हम आज बढ़ गए। मीडिया के साथी, मीडिया के साथी, टेंटेटिव रूट क्या होगा सर आपका? कोई आउटर रिंग रोड पर सवाल है, आउटर रिंग रोड मिली है, और टाइमिंग क्या है? नहीं, टाइमिंग अभी कोई नहीं, रूट रूट का बता दीजिए, रूट के बारे में बताते हैं। कोई गिनती नहीं, पांच जिन्हें ट्रैक्टर होंगे सारे दिल्ली से जाएंगे। ये 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक चलेगी परेड, कितने जितने ट्रैक्टर होंगे सभी शामिल। निर्विघ्न चलूगी, जिन्ने ट्रैक्टर होंगे सारे परेड च शामिल। रूट तमाम साथी दो सवाल पूछना चाहते हैं, एक तो टाइम, दूसरा रूट। टाइम का जैसे हमने बताया, टाइम का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जितने ट्रैक्टर आ रहे हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, खुद पुलिस हमें कह रही है कि जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा आ रहे हैं, पुलिस हमें बता रही है। तो ऐसे में कोई बार बार पहले पुलिस की तरफ से ये आ रहा था कि आप लिमिट कर दो, इतने ट्रैक्टर आएंगे, ऐसी कोई लिमिट मंजूर नहीं हुई है। जो ट्रैक्टर आएंगे सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। रही रूट की बात, रूट में जहां जहां पे हमारे मोर्चे हैं, जितने भी मोर्चे हैं, सब आगे बढ़ेंगे, यानी कि सब बैरिकेड खुलेंगे, सब अपने आगे की सड़कों पे जाएंगे। उसके बाद लगभग 80% रूट डिसाइड हो चुका है। थोड़ा सा आज हमारे साथियों ने रात को रेकी करके कुछ माइनर पॉइंट्स को सेटल करना है, इसलिए आपको वो हम सारी सूचना कल शेयर करेंगे। वैसे भी सारी सब खबर आज मिल गई। किलोमीटर हमें दिल्ली में परेड कम से कम 100 किलोमीटर, 100 से ज्यादा, एक्चुअली
100 किलोमीटर से ज्यादा दिल्ली के अंदर चलेगी ये परेड और अलग अलग पॉइंट्स से चलेगी। और वैसे भी सारी खबर आज आ गई तो कल अपने पास कहने को क्या रहेगा, कल आएंगे हर जगह पे जहां से परेड चलेगी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आएगी। कोई दिल्ली में नहीं बैठेगा, कोई ऐसी योजना नहीं है। हम एक लंबा शांतिपूर्ण ऐतिहासिक संघर्ष करना है। आउटर रिंग रोड रहेगी ना सर, आउटर रिंग रोड का क्लियर मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बताया है कोई एक सिंगल रूट नहीं है। ये सारी की सारी परेड किसी एक सिंगल रूट पे नहीं चल सकती, अलग अलग जहां से एंट्री पॉइंट होगा उसका अलग अलग रूट होगा। क्योंकि अगर एक सिंगल रूट पे चलेगी तो पता नहीं कितने दिन तक चलेगी ये परेड। तो अलग अलग जगह के अलग अलग रूट बने हैं जो कि घूम के वापस उसी पॉइंट पे खत्म होंगे और कल सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। नक्शा है लेकिन पक्का नहीं है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा। अलग अलग बॉर्डर से अलग अलग चलेंगे, अलग अलग रूट पे चलेंगे। पांच अलग अलग रूट हैं। ये सिंघु बॉर्डर का अलग रूट है, टिकरी बॉर्डर का अलग रूट है, गाजीपुर बॉर्डर का अलग रूट है, शाहजहांपुर का अलग रूट है, पलवल का अलग रूट है, सारे अलग अलग बाकी सारे शेयर करेंगे हम। अभी हम इस मीटिंग से आए हैं, अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं, हम एक दूसरी मीटिंग में अभी जा रहे हैं। जैसे पुलिस ने कहा है उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि अगर कोई अननेसेसरी एक्शन होता है तो पुलिस एक्शन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम ये करने आए हैं, आप बता रहे हैं पांच मीटिंग कॉल लड़का योगेश सर उन्होंने सो बिल्कुल वड्डी खबर सामने आ रही है, वड्डी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस दे नाल दे नाल होर जड़े पुलिस सूबियां दी पुलिस है ओदे वलो गोडे टेके गए ने ते हुण किसानी परेड दी इजाजत जिहड़ी है दे दित्ती गई है। सो वड्डी खबर है क्योंकि पहला पुलिस मन नहीं सी रही पर फिलहाल हुण जिस तरीके दे नाल ये परमिशन दित्ती गई है अपने आप दे विच वड्डी गल है कि किस तरीके दे नाल ये परमिशन होई है। रजिंदर होनी ने साडे नाल मैंने आपको बताया सारे के सारे रूट कल हम आपसे शेयर करेंगे। आज हमने एक इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है और सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये कि बैरिकेड खोले जाएंगे। आपको याद होगा बार बार हम इस पे चर्चा करते थे अगर दिल्ली पुलिस ने रोक दिया तो क्या, मैंने कहा था मुझे पूरा विश्वास है रजिंदर जी अच्छा किसानी झंडे भी नाल लगन गे किसी ने तिरंगा ला के लेके जाना तिरंगा लेके जावे, किसानी झंडे भी नाल होंगे, हर किसान जथेबंदी अपने झंडे लेके जावे। सो बिल्कुल हर किसान जथेबंदी अपने झंडे लेके जाऊगी। गुरनाम सिंह चडूनी होनी ने चडूनी होना गलबात करते हैं। एक तो जो सवाल करते पहला भाई जे उन्होंने अंदर ना जान दी फिर तुम की करोगे, असि क्या फिर बैरीकेड तोड़ के जाएंगे, झगड़े तो बच गए तो सरकार ने मान लिया आ जाओ तुम अंदर आ जाओ। दूजी गल है कि भी तीन रूट ने पर कई जगह उन्होंने साड़ी रैकिंग होनी बाकी है या टिक मार्किंग करना बाकी है शरारती अंसर जो गल कर दो बारे मेनु नहीं पता बारे जी कमेटी बनाई सी उन्होंने पता जिन्होंने पेश किया की मनिया अगे उन्हें की जवाब दिता ओ बारे उन्होंने पता है। साहब इतने जिस तरीके का पुलिस प्रशासन ने कंक्रीट के पत्थर रखे हुए फेंसिंग हुई हुई है वे वे इतने कंटेनर खड़े हुए सारे हटाए जाएंगे जिम्मे रखे से उ चकने उन्होंने ही चकने हैं ते जे असि फिर कहा जी ना नहीं फिर तोड़ांगे ठीक है ते हुण मन गए आपे चकणगे सरदर्दी नहीं है। अच्छा, कि इत्थे वापस आओगे
तीन रूट तय हुए हैं और उसमें कुछ मार्किंग होनी अभी बाकी है, वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि हम कुछ मांग रहे थे वो कुछ दे रहे थे, इस पे थोड़ा परसेंटेज तो आप बताए ना कि इस रूट की तो बात हो गई है, फाइनल बाकी होनी है। देखिए तीनों, अब मैं क्या बताऊं, तीनों रूटों से अब जैसे मान लिया यहाँ बैठे हैं, इस पे कुंडली बॉर्डर पे, कुंडली बॉर्डर यहीं से इंटर करेंगे, जहाँ बैरिकेड लगाए वो बैरिकेड हटाएंगे, वहीं से इंटर करेंगे। गाजीपुर वाले जहाँ बैठे गाजीपुर से इंटर करेंगे, टीकरी वाले जहाँ बैठे टीकरी से इंटर करेंगे, इतना तो बता सकता हूँ और बाकी तो कल बता पाएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा वो है। लेकिन मेजर जो बात थी वो ये थी कि अब हमें बैरिकेड तोड़ने नहीं पड़ेंगे, वो हटा रहे सेंटर पॉइंट। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग है, एक रूट पे जितने आई नहीं सकते, 1.5 लाख ट्रैक्टर कहाँ से आ जाएंगे भाई साहब, सेंटर पॉइंट जहाँ पे मिलेंगे सर। नहीं भाई साहब कोई पैसा कोई ट्रेन मिल ही नहीं सकते ना, 1.5 लाख ट्रैक्टर कैसे मिल जाएंगे। जिम्मे 26 ट्रैक्टर परेड जी तुम रखी है, इस अलावा जेकर गल करिए इंडिया गेट दी परेड होनी है, वो सवेरे शुरू होनी है, तुहाडा कोई टाइम उन्होंने फिक्स किया कि तुसी इस तो बाद शुरू कर लियो? नहीं वो कोई गल नहीं है, उन्होंने बड़ी दूर जाके होनी है, साड़ी इत्थे होनी है, वो कोई डिस्प्यूट नहीं है। उंज भी चाह चू पीते 9-10 बज जाते हैं तैयार तुर होंगे क्योंकि फिर सारा दिन पता नहीं रस्ते कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आम टाइम से आम हो जाएगा। नहीं कन्फर्म नहीं है, पहले भी चल सकते अभी तो कैब 8 बजे खोल दिया, पर वापस आने का कोई समय दस किस टाइम तक वापस? नहीं नहीं वापस आने का कोई लिमिटेड नहीं है, भावे तीन दिन ना साड़ी परेड पूरी होए वो कोई नहीं है, वो तो असं आप देखना है भाई, जिम्मे फर्ज करो ये टाइम हो गया हूं, इस टाइम तो बाद अभी परेड करके अंदर जाके की करा अभी असं आपे रोक देंगे, वो वखरी गल है। मोर्चा भी तरीके नाल लग सकता है? मोर्चे वाली गल नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा वहां जिम्मे कह रहे हो भी टाइम लिमिट की है, टाइम लिमिट यह नहीं है भी 4 बजे तक करना है, वो तो साडी मर्जी है, साडी मर्जी है भी साडे किन्ने ट्रैक्टर आ गए किन्ने रह गए साडी मर्जी है। लॉ ऑर्डर लेके आश्वासन लेता की किवें इस सब नु लीड किया जाऊगा, तुहानू क्या तुसी? देखो 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 लॉ एंड ऑर्डर ते साडा भी कोई डिस्टर्ब करन दा मैटर नहीं, असि पहले ही कह रहे नहीं डिस्टर्ब करांगे, वो भी कह रहे ने भी नहीं डिस्टर्ब करना, वो भी पूरी ड्यूटी पूरी जिम्मेवारी संभाल रहे ने भी अभी सारी सुविधा जेड़ी भी असी हो सकेगी सिक्योरिटी वास्ते देंगे, वो तो सारी तरह शांत में रहने की अपील करो। हाँ ये थोड़ा बड़ा पॉइंट है, असी ये अपील करांगे सारे मीडिया के माध्यम तो सारे किसानों साडे हाथ जोड़ के प्रार्थना है भी एक तो जिहड़ा तुसी पिंडों आओगे ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਪੜਦੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੋ, ਜੋ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਟੋਕ ਦੀ ਆਪ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਡੰਡਾ ਲਾਠੀ ਜੇਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਉਪਦਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਹੀਕਲ ਵਾਲੇ ਸੇ ਝਗੜੇ ਨਾ, कोई भाई किसी पुलिस वाले से झगड़े ना, ये हमारी हिदायतें हैं कि हमने शांतिपूर्वक रखना है और दिल्ली में जहां जहां से रूट तय होगा वो कल बता दिया जाएगा, उसके अलावा कोई उसके बाहर ना जाए, फिर वो अनुशासनहीनता हो जाती है आगे के लिए, प्रशासन भी हमारा तवार नहीं करता और फिर वो गलत भी हो जाता है, उसमें झगड़े के चांस बढ़ जाते हैं, ऐसा कोई ना। देखो जीते जूतने तो कोड़े केड़ा आप आंदोलन जीत गए, जीते जूते को नहीं है, पर फिर भी अपने तीन सूबे की पुलिस ने गोडे टेके ने भाई, कोई मैटर नहीं है, गोडे टेकन नाल केड़ा साडी साडे जेडे ने ओ कानून वापस हो गए, केड़ा साडा MSP मिल गया, ये जीत जूत वाला मैटर नहीं है, ये तो असी प्रदर्शन करना है सरकार नू, भाई सरकार इस तरह की प्रताड़ना कर रही है, अभी दिल्ली च नहीं घुसन देना, ठीक है, और हुण असी दिल्ली तक आ गए, साडी जीत नहीं है, ये तो एक है कि भी सरकार प्रशासन जेड़ा है ओ एक तरह तो उस चीज तो डर गया है भी डिस्प्यूट ना हो झगड़ा ना हो। गुरनाम जी जैसे आप यहाँ सिंघू बॉर्डर से चलेंगे तो आप वापस कौन से रूट से मुड़ करके आएंगे, ऐसा कुछ तय हुआ है अभी कि यहाँ पूरे भाई साहब वो सुबह तक हो जाएगा, कुछ चीजें ऐसी रह गई हैं जो चेक करनी पड़ेंगी उनको भी और हमें भी, वो सुबह तक। गुरनाम जी तुसी सैटिस्फाइड है इस रूट तो जो रूट दिता गया क्योंकि तुसी आउटर रिंग रोड की डिमांड करते थे 47 किलोमीटर का लंबा स्ट्रैच है, बहुत सारे जंक्शन दिल्ली बिल्कुल
ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਚੌੜਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਤੇ 25 ਫੁੱਟ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਏ, ਕੇਵਲ 25 ਫੁੱਟ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣੇ ਪਏ, ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 25,000। ਇਸ ਟੋਟਲ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ, ਟੋਟਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲ 25,000, ਤੇ ਸਾਡੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਲੱਖ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਲੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਰੂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਟੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ। ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ KMP ਔਰ KGB ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਟ ਮੈਂ ਨੇ, ਰੂਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੈ। ਚਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼? ਹਾਂ, ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੋ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਜਰੇ ਟੁਰਾਂਗੇ। ਟਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਰੂਟ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ।